सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है, और हर बार महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय बदलाव होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार 1 अक्टूबर को क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड पर क्या होगा असर। यदि आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से HDFC बैंक ने अपने स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल उत्पादों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार कार्ड धारक अब हर कैलेंडर तिमाही में केवल एक एप्पल उत्पाद के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स का उपयोग कर सकेंगे। LPG की कीमत में क्या होगा बदलाव। ऑयल कंपनियां LPG का मूल्यांकन महीने की पहली तारीख को करती है, जिसके बाद कीमत में बदलाव भी करती है। 1 तारीख को घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी मिलने लगेगी। 1 अक्टूबर से श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी मिलने लगेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपए प्रतिदिन तक कर दिया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय की ओर से पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के नियम में क्या होगा बदलाव। 1 अक्टूबर से बेटियों का अकाउंट सिर्फ कानूनी अभिभावक ही संचालित करने में सक्षम होंगे। यदि बच्ची का अकाउंट ऐसे शख्स द्वारा खोला गया है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे 1 अक्टूबर से इस अकाउंट को बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ETF और CNG/PNG रेट। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एयर टर्बाइल फ्यूल और CNG/PNG की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में मंगलवार की सुबह इन्हें एक नए संशोधित दाम जारी हो सकते हैं।